नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव के बीच आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब चिराग पासवान ने नए सिरे से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस छापेमारी के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि 7 निश्चय में घोटाले की जो बात वह कह रहे थे उसे इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने साबित कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान ने ये सारी बातें कही। क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनिए। और आयकर विभाग का धन्यवाद करना। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से मैं निरंतर इस विषय को उठा रहा हूँ कि किस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हो रहा और अब धीरे धीरे इसके प्रमाण भी हम लोगों के सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से आयकर विभाग द्वारा ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई की गई जो कहीं ना कहीं इस योजना से जुड़े हुए हैं और उनके यहाँ से जो जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बिल्स दिखाए गए, बोगस फॉर्म्स नाम से मिले हैं, कैश उनके पास से बरामद हुआ, ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि जिस बात को मैं लंबे समय से कह रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन की तरफ, 3 बार मुख्यमंत्री प्रमुखता से हर बार बोलते हैं जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस क्राइम के लिए, जीरो टॉलरेंस कम्युनलिज्म के लिए, और इन तीनों जगह उनका टॉलरेंस ही दिखता है, जीरो टॉलरेंस मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिला। 7 निश्चय उनकी नाक के नीचे होता हुआ भ्रष्टाचार, अगर चिराग पासवान को इसकी जानकारी मिल सकती है, 12 करोड़ बिहारियों को अगर इसकी जानकारी हो सकती है तो मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं हो यह असंभव। और इसीलिए मैं बार बार मैं कहता रहा हूँ कि इस जांच की आज अगर मुख्यमंत्री तक भी जाती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए और ये धीरे धीरे एक एक करके तथ्य सामने आने लगे हैं। और इसीलिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा आयकर विभाग का कि जिस तरीके से आयकर विभाग ने स्वतः इसके ऊपर कार्रवाई कर, और क्योंकि ये बिहार में इतना चर्चित विषय है, मुझे कोई ऐसा मंच नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जहाँ पर लोग इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो कि 7 निश्चय में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना घोटाला हुआ। और मैं मानता हूँ कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 7 निश्चय घोटाला, और चिंता हम लोग की तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब 7 निश्चय पार्ट 2 लाने की बात की जाती है। मतलब एक तो पहले आपने भ्रष्टाचार किया इतने बड़े पैमाने पर और उसके बाद उस भ्रष्टाचार से भी आप संतुष्ट नहीं हो, उससे भी आपका पेट नहीं भरा, तो आपने उसको और बढ़ाने का आपने बात की। आप 7 निश्चय पार्ट 2 की आप बात कर रहे हैं, पहले आप ये तो बन रही कि 7 निश्चय पार्ट 1 में जो जो आपने बातें की, जो आपने बातें की कि आपने उनको बुरा किया, जिसमें प्रमुखता से नल जल योजना का जिक्र आप बार बार करते हैं, मुख्यमंत्री भी बार बार बोलते हैं कि हम लोगों का इतना प्रतिशत काम हो गया। बिहार की कोई एक विधानसभा मुझे दिखा दीजिए, आज विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, एक विधानसभा मुझे दिखा दीजिए जहाँ पे लोग खड़े के बोले कि हाँ भैया यहाँ पे काम हो गया। गुणवत्ता के साथ जिस तरीके से समझौता किया गया, तो मैं बिहार बस बिहारी बस यात्रा में जो मैं निकला भी था, जिस तरीके से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, मुझे ग्रामीणों ने पटे हुए टैंक्स वो टैंकियां दिखाई। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में केवल भ्रष्टाचार है। इस योजना के तहत बिहार में जमकर सरकारी पैसे की लूट हुई है और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए बिहार में बड़ा घोटाला करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद नीतीश कुमार घबरा गए हैं और इसी बेचैनी में वह अनाप शनाप बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। तो चुनाव आयोग से अब शिकायत करेंगे चिराग पासवान। उन्होंने नए सिरे से हमला बोलना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे और अब नए तरीके से हमला बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने जो बातें कही है कि वो चुनाव आयोग से उनकी शिकायत करेंगे, इस पर नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।